हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक एग्जामटो पर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारे यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल चुके हैं और पूरी शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितना पूछा गया है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो जिनका पेपर है नेक्स्ट शिफ्ट होगी उनके अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप तक देख पा रहे हैं पिछले एग्जाम्स के हिसाब से जितने भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें को ध्यान से देखिएगा, पहले कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इसके, उसके बाद में पूरा यहाँ पर गुड अटैम्प्ट क्या है और क्या आपको जिनका नेक्स्ट पेपर है उनको क्या टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हर शिफ्ट की एनालिसिस का वीडियो आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन मिलेंगे हर शिफ्ट के आपको मेमोरी बेस्ड। तो पूरे यहाँ पे क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर, उसके बाद में घंटी बटन दबा लेना, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज जो है वो आपको मिलते रहेंगे, पूरे वीडियोज के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे है वो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ गोवा, गोवा का सीएम पूछा गया है, तो देखिए प्रमोद सावंत यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ एसएससी का पैटर्न क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पिछले एग्जाम्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पे गोवा का सीएम पूछ लिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर गोवा से रिलेटेड या फिर जो है गोवा का देखिए जो गवर्नर वो पूछा जा सकता है, गोवा की राज्यसभा सीटें हैं वो पूछी जा सकती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल पणजी है इसकी, लार्जेस्ट सिटी वास्को डगामा है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर गोवा का गवर्नर पूछा जाता है तो सत्यपाल मलिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या गोवा में 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है गोवा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो मालीमत कमेटी इज रिलेटेड टू विच इशू, जो मालीमत कमेटी है ये किस इशू से रिलेटेड है, ये किस के लिए जो है इसका गठन किया गया था, तो देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसके इस इश्यू को जो है सोल्व करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी, जिसके हेड कौन है, VS मालीमत है, जो कि जो कर्नाटका और केरला हाईकोर्ट है इसके पूर्व चीफ जस्टिस ये रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो मतलब कि ये यदुराया वेडुआर है ये मतलब कि कौन से जगह पे जो है किस जगह के शासक थे। ठीक है, ये पूछा गया यहाँ पे, तो देखिए मैसूर के शासक थे ये यदुराया वेडियार। ठीक है, देखिए इन्होंने एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसने जो है वेडियार राजवंश की स्थापना भी की थी 1399 के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सॉरी फिर देखिए मेटलॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेटलॉइड जो है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया था, तो देखिए आर्सेनिक यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा आपका, शॉर्ट में इसका जो प्रतीक है वो है AS। ठीक है, आर्सेनिक। साइंस का क्वेश्चन देखिए, एक एक यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, जे जे थॉम्सन वन नोबल प्राइज फॉर, जो जे जे थॉम्सन था उसको किस क्षेत्र के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था, तो देखिए फिजिक्स के अंदर 1906 में जो है इनको ये दिया गया था फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, और किसके लिए दिया गया था, ग्रेट मेरिट्स ऑफ हिज थियोरटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। देखिए जो गैस हैं उनके द्वारा जो मतलब कि विद्युत कंडक्शन है उसकी खोज के लिए ही इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जे जे थॉम्सन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर 2019, देखिए यहाँ पे ये 2019 का है ये विनर पूछा गया है। ठीक है, ये 20 का पूछा गया है, तो क्योंकि 20 तो अभी हुआ था रिसेंटली, तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 19 का जो जीता था वो नोवाक जोकोविच ने जीता था मेन वाला, और जो वुमेन्स वाला जीता था वो नाओमी ओसाका ने जीता था। ठीक है, अगर 2020 का पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे जो नोवाक जोकोविच है इसने इसी बार भी जो है 2020 का भी जीता है, पिछली बार भी इसी ने जीता था। ठीक है, और जो इस बार जो वुमेन्स का जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वो S केनिन जो है वुमेन्स इसने जीता है। ठीक है, S केनिन ने, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, 20 का एक करंट का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट द चीपेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, कौन सी इसमें से जो है इंडिया की चीपेस्ट सिटी नहीं है, तो देखिए मुंबई इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद में देखिए फिर, हाँ एक क्वेश्चन था कि जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने महाभियोग की कार्यवाही का सामना किया था, तो ये थे वी रामास्वामी, इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ महाजनपदा ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड, बुद्ध काल में जो है महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। ठीक है, अगर जनपदों की संख्या है वो कितनी थी, 22 है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, महाजनपद 16 और जनपद यहाँ पे 22 है अप्रोक्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो एक है एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यहाँ पे। देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सके, लेकिन पैरामीटर्स यहाँ पे फाइंड करना था इसका। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा था ए बी सी, उसके अंदर सर्कल जिसकी ये इसको टच करती है। ठीक है, जो सर्कल की, तो इस तरीके से क्वेश्चन था जिसका पैरामीटर यहाँ पे फाइंड करना था। एक यहाँ पे देखिए जो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था कि कोई भी शॉपकीपर है वो 120 कॉपी बेचता है 30% के डिस्काउंट पर, और 40 कॉपी बेचता है 10% के डिस्काउंट पर, तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट पूछा गया था 160 कॉपियों का। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि कितना गुड अटेम्प्ट था, आज का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 23 से 22 23 क्वेश्चन जो है यहाँ पे करे अगर आपने, तो ये काफ़ी अच्छा अटैम्प है आज के इस फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 से 17 यहाँ पे आप कह सकते हो, इज टू मॉडरेट था आज का इसका। और एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 16 से 18 यहाँ पे आप कह सकते हो इसका गुड अटैम्प्ट था। ठीक है, ये भी मॉडरेट लेवल था इसका। उसके बाद में देखिए बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो यहाँ 21 से 22 अगर कर सकते किए हैं आपने अटैम्प्ट, तो ये एक गुड अटैम्प्ट इसका कह सकते हो आप। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, और यहाँ पे जो इसका गुड अटैम्प्ट है ओवरऑल वो 74 से 80 के बीच में आपका गुड अटैम्प्ट कह सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अब दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो है टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन किस टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले एप्टीट्यूड की यहाँ पर बात करें नंबर की, ठीक है, तो इसके अंदर रेशियो एवरेज नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री डीआई वगैरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अलावा देखिए यहाँ पे टाइम स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, SICI से पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन, उसके अलावा देखिए लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और ज्योमेट्री से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन थे इसके अंदर। उसके अलावा देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री था उसके अंदर क्वेश्चन थे इसमें 4 क्वेश्चन के अप्रोक्स, और परसेंटेज का क्वेश्चन था, एलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसमें, और टेबुलर था यहाँ पे, डीआई था वो। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे इसके, और टोटल इस तरीके से यहाँ पे 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए रीजनिंग में एनालॉजी से 3-4 क्वेश्चन आपके आ गए थे यहाँ पे आज, और नॉर्मल क्वेश्चन थे उसके अलावा, और वन आउट जो है यहाँ पे इसमें थे, और सीरीज से क्वेश्चन थे, इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थे इसके अंदर, और उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे इसमें, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, मिरर का क्वेश्चन था यहाँ पे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था इसमें, और उसके अलावा देखिए पेपर फोल्डिंग वगैरह कटिंग का क्वेश्चन था, और मिसिंग टर्म का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और हिडन फिगर क्यूब वगैरह से इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके से क्वेश्चन थे इसमें। उसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे फिगर का जो काउंटिंग फिगर है ये पूछा गया है, और कंप्लीट फिगर का, और यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। बाद में यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है हमारी वो है कि जो इस शिफ्ट को हम ध्यान में रखते हुए या फिर जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं SSC के द्वारा, उनके हिसाब से कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार SSC के फेवरेट टॉपिक हैं, इनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो हड़प्पा सिविलियन से, वैदिक एज से, और इस तरीके से मौर्यन सिविलाइजेशन से, और गुप्त एम्पायर से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब कि 3-4 जो पॉइंट है, लिटरेचर एंड बुक्स, फेमस बैटल्स, ठीक है, क्रोनोलॉजी, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ देखिए उसके अलावा हिस्ट्री के 3-4 जो बैटल्स हैं, फेमस बैटल्स हैं, मुगल जो शासक, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके अलावा देखिए, जो अगर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसके अंदर जो 1857 की क्रांति, ठीक है, लीडर्स, नेता, मूवमेंट जो भी जितने भी हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें। उसके अलावा देखिए, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जो यहाँ पे जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। अर्थक्वेक, सुनामी और चक्रवात वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसके अंदर। उसके अलावा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल से बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान वगैरह, इसके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिस्टम है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट है उसके। और यहाँ देखिए, जो इकोनॉमिक है उससे रिजर्व बैंक वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह के। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस जो यहाँ पे हैं, ठीक है, फिजिक्स की, वो पूछी जाती हैं, यूनिट्स वगैरह, ऐसा यूनिट्स। और उसके अलावा देखिए, फॉर्मूलाज वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी, डिजीज, प्लांट सिस्टम, एनिमल और यहाँ पे प्लांट किंगडम वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के जो है बेसिक, कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा स्टैटिक जी के, इस करंट अफेयर इसमें, ठीक है, बुक्स वगैरह वगैरह इसमें पूछ जाती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वगैरह करंट अफेयर्स की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप ध्यान रख लीजिएगा। और एक यहाँ पे बुक्स की बात करें तो लूसेंट जीके के लिए आप लूसेंट रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स आप रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सेकेंड शिफ्ट भी आपको जल्दी यहाँ पर मिलेगी इस चैनल पर। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाइएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो के में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।